पिंपल्स वगैरह निकलना आम बात है, स्किन हेल्दी होना इज डिफरेंट, स्किन ग्लोइंग होना इज डिफरेंट। सबसे पहले फेस वॉश बना लेते हैं। 2 टेबलस्पून चाहिए सूखा दूध, कोई भी आप लोग ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून चाहिए बेसन। आप लोग ये मास्क 15 दिन रेगुलर इस्तेमाल करें एज अ फेस वॉश। आप लोग ब्राइट ग्लोइंग स्किन हो जाएगी आप लोग, ये आपकी सारी पिगमेंटेशन उतर जाएगी, सारी जो डेड स्किन होती है वो उतर जाएगी। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए बादाम, घर में हमने पीस लेने हैं। 1/2 टेबलस्पून चाहिए चावल का आटा। ये सब चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सेंसिटिव स्किन है, कम्बिनेशन स्किन है, ऑयली है, जैसी भी स्किन है, आप लोग एज अ फेस इसको यूज़ करें। और मैं आप लोगों को आगे लगाने का तरीका भी बताती हूँ। हर एज वाले यूज़ कर सकते हैं, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इस्तेमाल कैसे करना है। ये देखिए जी, आप सोए हुए हैं, ठीक है, आपने सो के उठना है, अंगड़ाई लेनी है। अंगड़ाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है, बॉडी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है सारी थकावट और सब कुछ उतारने के लिए। लेकिन फिर भी मुंह ऐसा ही दिखता है जब आप लोग सुबह उठते हैं, ठीक है। 2 मिनट इंसान सोचता है, और मैं तो फौरन सोई सोई उठ जाऊँ ना, मैं मुझे तो चक्कर आने शुरू होता है। फिर हमने जो चुटिया की होगी रात को बालों की, वो खोल के हमने एक पोनी का बना लेनी है। अब बारी आती है जी मुँह धोने की। मुँह हमने किस तरह धोना है, जो हमने फेस वॉश बना के रखा था हमने उसको पकड़ना है। इसके अंदर एक चम्मच रख लेनी है आप लोगों ने, इस तरह से छोटी सी प्लास्टिक की। अपने मुंह के हिसाब से आप लोगों ने मास्क ले लेना है, हाथ पे लेना है, हाथ पे ही बनाना है। थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करके, ये देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ, ये देखिए हाथ पे लिया और इसको ही हमने इस हाथ के ऊपर इसका पेस्ट बनाएंगे और मुंह पे लगा लेना है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो डेड स्किन उतर जाएगी, आप लोग स्किन ब्राइट होगी, आप लोग को सन टैन है वो भी आप लोग का ख़त्म होगा। आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग गर्दन पे अप्लाई नहीं करेंगे, मुंह पे 15 दिन अप्लाई करते रहेंगे ना, आप लोग को गर्दन और मुंह में वाजे फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। पोनी करने के बाद इस तरह सारा मास्क अप्लाई कर लेना है। फेस वॉश भी हो जाएगा, स्क्रब भी हो जाएगा, मास्क भी हो जाएगा, 3 in 1 है, ठीक है। इसके बाद हम ब्रश करेंगे अच्छे तरीके से, और मास्क भी हमने अच्छे तरीके से लगा लेना है। बहुत भर भर के नहीं लगाना, बालों में ना लगे। ये देखें, इस तरह पतली सी लेयर लगानी है। 1 स्पून बहुत होगी, अगर मेरे मुंह के लिए 1 स्पून बहुत है, आप लोग के लिए तो आधी स्पून बहुत होगी। फिर अच्छी तरह जी हमने दांत अपने मांज लेने हैं। दांत मांजने के बाद लिप्स की बारी आती है। लिप्स को नहीं छोड़ना है, एक्सफोलिएट करना है बिल्कुल हल्का हल्का। लिप्स को जब आप इस तरह आदत डाल लेंगे एक्सफोलिएट होने की, एक तो आपके लिप्स थोड़े भरे भरे लगेंगे, पिंक लगेंगे, डेड स्किन उतर जाएगी, तो लिपस्टिक बहुत अच्छी लगेगी और ना फ्रेश फ्रेश से लिप्स लगेंगे। अब मुँह धोने की बारी है, हल्की हल्की हाथों के साथ स्क्रब करने, वो भी ज़रूरत पड़े तो। अगर आपने एक दिन स्क्रब कर लिया, दूसरे दिन स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपने फेस वॉश कर लेना। ये देखिए हल्के हल्के हाथों के साथ हमने स्क्रब करना है, बिल्कुल भी स्किन को ना सख्ती से नहीं करना। मुंह धो लेना है ठंडे पानी के साथ, टॉवल इस्तेमाल नहीं करना, टिश्यू पेपर अपने पास रखे, टैप टैप करके मुँह साफ़ करना है, क्योंकि स्क्रब किया होता है, टॉवल का इस्तेमाल बहुत बुरा है। अगर आप लोगों ने जल्दी बूढ़े होने हैं तो आप लोग सनब्लॉक स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने जल्दी बूढ़े नहीं होना, झुर्रियाँ नहीं चाहते जल्दी, तो आप लोगों ने सनब्लॉक और मॉइस्चराइज़र किसी सूरत स्किप नहीं करना। रात को मैं मॉइस्चराइज़र लगा के सोई थी, तो वो मैं अभी स्किप कर रही हूँ, मैं सनब्लॉक भर भर के लगा रही हूँ। आपने घर में रहना है, जहाँ मर्जी जाना है, आपने सनब्लॉक मिस नहीं करना, लिप बाम मिस नहीं करनी। लिप बाम लगानी है, वो मैं लिप बाम थोड़ी चीक्स पर लगा दी थोड़ी ग्लो के लिए। सुबह उठ के मुँह धोना स्किप नहीं करना, और सनब्लॉक लगाना स्किप नहीं करना। बाकी फूफों को सलाम करना स्किप कर सकते हैं, वो अलग स्टोरी है, जंग छिड़ जाए, लेकिन ये दोनों चीज़ें स्किप नहीं करनी है। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी।